अधिष्ठान का समझ जैसा कि जैसे ये चीज आपको दी, अब इसको कैसे भूलोगे आप? कृष्ण ने क्या अर्जुन को दिया? वो सब बात गोलमाल बात सब वो उसमें लिख रहे हैं तो क्लियर दिया दिया। इसमें रख लेते बाद में जाने ये उठेलन पुस्तक में जगह खाली लिया नहीं ना हो गया हो गया अरे पुस्तक तो उठा के रखना है ना ये जगह से ये मशीन है हमारे बीच सर्वांग योग की विद्या ब्रह्म विद्या को चर्चित करने आवश्यक संसाधन हमारे बीच उपलब्ध विज्ञानियों के संग हमारी अपनी एक यूनिटी आपस के मित्र जानकार ज्ञानी और महाविज्ञानी बैठे हुए हैं जिसके मध्य सर्वांग योग की विद्या को एक प्रायोगिक माध्यम से बताने दिखाने और जताने का कार्य छत्तीसगढ़ से पधारे इस महेश्वर धाम में नर्मदा मैया के किनारे अहिल्याबाई होलकर के किला के नज़दीक हमारे उमेश भैया जो इस महेश्वर से ही बिलोंग करते हैं जो एक काश्तकार बड़े अच्छे काश्तकार हैं और प्रबुद्ध है और एक अच्छे उद्योग भी कर रहे हैं जहां हम ठहरे हुए हैं जिनकी महान उपस्थिति में दो शब्द जो कहने का सुनने का अवसर प्राप्त हुआ ये हमारे लिए बहुमूल्य है और ये हमारे स्वरूपानंद जी जो छत्तीसगढ़ से पधारे हैं जिनकी अमृतवाणी को यथार्थ प्रयोग के रूप में सुनकर जो हमें अनुभूति हुई वह यहाँ महेश्वर में उपस्थित एक अच्छे वैज्ञानिक के रूप में जो हमारे मध्य पधारे हुए हैं आप श्री जी नितिन कुमार आमला जी धन्यवाद आपका जो आपसे दो टुक हमारे छत्तीसगढ़ वासी को एक छोटे से विज्ञानी को आपसे रूबरू होने का आपसे कुछ जानने का सौभाग्य मिल रहा है वो हमारे लिए एक अनुकरणीय है। सर कृपया बताइएगा आपको इस सर्वांग युग की जो विद्या जो आप प्रत्यक्ष रूप से हमारे विश्वरूपानंद जी से जो देखने का जो अवसर मिला इस पर आपका रिक्रिएशन क्या है आप कुछ दो शब्द आपके मुखारविंद से आपकी वाणी से हम सुनना चाहते हैं सर। सर्वांग योग के बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। यस सर इन्होंने कुछ बताया था पहले मेरे पंच तत्वों से चालू होता है सर और तत्वमसी तक जैसे आपकी यात्रा होती है। यस सर लेकिन उसमें डिटेल में मैं जानता नहीं उसके बारे में। यस सर यस सर थोड़ा सा आपको सुनूंगा और ज़्यादा बिल्कुल परंतु ये विधा से आपको कुछ संदेश देता हुआ महसूस हुआ आपको जो फीलिंग है इस पर कुछ तो आपके जेहन पर इसका जो फीलिंग हुआ है जो कि आप अपने आप व्यक्त कर सकते हैं दो शब्द या कुछ कहेंगे व्यक्त करेंगे। मायानंद भगवान जी की वाणी जो है जी सर वो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है। यस सर और वो उसमें मेरे को बहुत अच्छी लगी वो वाणी। वाओ और उसमें जो परम तत्व है यस सर उसके बारे में उसमें उसको टच किया है उन्होंने। यस सर ऐसा मेरे को थोड़ा बहुत लगा उसमें। ये बहुत है सर लेकिन वो पूर्णतः अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। बहुत बढ़िया सर तो पूर्ण चर्चा नहीं होंगी। यस सर थैंक यू आपको सर। कम से कम आपने सुना आप भगवान मायानंद जी के बारे में आप रूबरू हैं और उसके कुछ विषयों के बारे में आपको आप ज्ञातव्य हैं आपको और अनुभव जरूर है। ऐसा है कि अनुभव तब मिलेगी जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब तत्वदर्शी से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेंगे और वस्तुप्रिय कहे जाने वाले हमारे विश्वरूपानंद जी का मतलब एक महानतम पदार्पण है इस महेश्वर में जो हमारे लिए एक दिव्यता प्रदान करती है। थैंक यू वेरी मच सर धन्यवाद।